तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोको M2 Pro डिवाइस में MIUI 12.5.3.0 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसके कॉन्फर्म डेट के बारे में, एंड गाइज इसी के साथ में हम बात करेंगे गाइज कि इस अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलेगा, एंड गाइज ये अपडेट का आप लोगों को फाइल साइज कितना देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज अगर आप भी हैं पोको M2 Pro डिवाइस के यूजर्स तो गाइज आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फाइनली पोको M2 Pro डिवाइस में MIUI 12.5.2.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट सभी यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट हो गया है। एंड गाइज आई होप कि सभी पोको M2 Pro डिवाइस के यूजर्स को MIUI 12.5.2.0 का अपडेट देखने के लिए मिल गया होगा। एंड गाइज जिन यूजर्स को अभी तक ये अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है तो गाइज वो वेट कर लो यार, आप लोग को 2 से 3 दिन के अंदर सभी यूजर्स को ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ गाइज आप अपने डिवाइस के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट को जरूर चेक करते रहना, क्योंकि गाइस ये अपडेट जो है वो सभी यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट भी हो गया है। तो गाइस अब बात करते हैं कि पोको M2 Pro डिवाइस में MIUI 12.5.3.0 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसके कॉन्फर्म डेट के बारे में। तो गाइस ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात करेंगे, गाइस इससे पहले हम बात करते हैं कि इस अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि जब एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलता है तो गाइस उस अपडेट में आप लोगों को कुछ ज़्यादा चिंतलॉक देखने के लिए नहीं मिलता है। गाइज आपके डिवाइस में जो बग होते हैं उन्हें यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, एंड गाइज इसी के साथ में आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया जाता है। तो गाइज पोको M2 Pro डिवाइस में जिसका वर्जन नंबर मे भी गाइज MIUI 12.5.3.0 का हो सकता है, गाइज अगर ये अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो गाइज यही कुछ सारा चेंजेस है जो कि आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि गाइज ये जो अपडेट होने वाला है वो गाइज एक नॉर्मल सा यार सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट ही होने वाला है। अगर बात करें गाइस इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में तो गाइस ये अपडेट का फाइल साइज आप लोगों को अंडर 500 MB का ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गाइस एक ये नॉर्मल सा अपडेट होने वाला है। तो गाइस इसी वजह से आप लोगों को ज्यादा लंबा फाइल साइज देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर बात करें कि पोको M2 Pro डिवाइस में MIUI 12.5.3.0 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, ये अपडेट का कन्फर्म डेट क्या है, तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि जब एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने के लिए मिलता है तो गाइस उस अपडेट का कोई भी कन्फर्म डेट नहीं होता है, गाइस अपडेट कभी भी देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस अगर बात करें एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में तो गाइस मे बी आप लोगों को हो सकता है कि गाइस आप लोगों को मार्च महीना के स्टार्टिंग वीक में आप लोगों को फर्स्ट वीक में ये अपडेट देखने के लिए मिल सकता है मे बी गाइस, या फिर गाइस आप लोगों को फरवरी महीना के एंड वीक तक भी ये अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। तो खैर गाइस जब भी पोको M2 Pro डिवाइस में फ्यूचर में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो गाइस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पर न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।